वैसे तो आप लोगों ने कचौरियां बहुत सारी जगहों पर खाई होगी, लेकिन अहमदाबाद में एक ऐसी जगह है जहां पे मिलती है मिनी कचौरी और उसके साथ सर्व होती है बहुत ही यूनिक चटनी, जो आपको अहमदाबाद में कहीं भी नहीं मिलने वाली, सिर्फ यहां और यहां पे मिलने वाली है। तो आप देख सकते हो ये खाने के लिए यहाँ पे कितनी भीड़ लगती है और ये दो भाई मिलके इसे चलाते। तो यहाँ पे क्या क्या वैरायटीज हमें मिलने वाली है, यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें अगर आपको जानी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो भाई अभी यहाँ पे लगने जा रही है कचौरियाँ, तो यहाँ पे एक प्लेट का क्या प्राइस रहता है, ये कितने टाइम से यहाँ पे स्टॉल लगा रहे, ये सारी बातें जानते हैं भैया से, तो चलिए उनसे कुछ बातें कर लेते। भैया तो यहाँ पे क्या मिल जाता है? अच्छा, और क्या टाइम रहता है आपके? सवा सात बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक, 4 बजे के बाद आगे चले जाते हैं। ओके, और यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन हमें बता दीजिए। साबु दरवाजा बार लगाना का हॉल। अच्छा, और ये जो हम देख रहे हैं गर्मा गर्म चटनी, ये क्या है? कड़ी, कड़ी है हमारी। किस चीज़ से बनती है? ओके, तो हमारे लिए एक प्लेट लगा दीजिए। एक प्लेट का क्या प्राइस होता है? 20 रुपये। ओके, तो एक हमारे लिए कचौरी लगा दीजिए। मिक्स 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 कीजिए। अच्छा, कितने साल पुराना है? हमारा दादा तीजी पेड़ी थी हमारी, इसी पेड़ी है, इसी पेड़ी। तो आपने किसने से बेचना स्टार्ट किया था? मेरे दादा ने 5 पैसे से चालू की थी। अच्छा, और अभी भी 5 पैसे से चालू की, तीजी पेड़ी से 60 वर्ष हो गया। अच्छा, तो यही जगह पे था? यही जगह वो चेंज। ओके, लोकेशन यही रखा है। अच्छा, बड़ा भाई है, छोटा भाई, दोनों भाई यही इसी बिजनेस से हो? हाँ, सही बात है। ओके, कचौरी में किसका मसाला होता है? ये दाल का होता है, दाल का मसाला होता है, मूंग दाल का। अच्छा, और समोसे में? समोसे में आलू होता है। भाई जैसे तैसे थोड़ी भीड़ कम हुई तो हमने भैया से ढेर सारी बातें कर ली और हमारे लिए बनवा ली उनकी यहाँ की स्पेशल कचौरी। तो चलिए अब ट्राई कर लेते हैं। तो भाई आप देख सकते हो कितनी बढ़िया और छोटी छोटी क्यूट सी दिख रही है कचौरियाँ, और ये खाने के लिए आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हो। तो कई पेड़ियों से यहाँ पे इनका स्टॉल लग रहा है और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट दे रहे हैं। तो चलिए अब हमें पसंद आता कि नहीं आता, हम ट्राई करके देखते हैं। बहुत ही बढ़िया है कचौरी के अंदर जो स्टफिंग बना है ना दाल का, ऑसम लग रहा है ये चटनी के साथ। तो भाई हम तो यही कहेंगे अहमदाबाद आ रहे हो तो यहाँ पे ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, अगर आपने ये नहीं खाया तो क्या खाए। तो भाई अगर आप अहमदाबाद में रह रहे हो ना तो यहाँ पे आके एक बार तो इनकी कचौरी ट्राई करना बनता है। और ऐसे ही खाने के मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए खाना इंडिया का पेज के साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फटाफट से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।